और उसने बोल रहा कि मतलब 30-40 सेकंड की कुछ वीडियोस डालने, मतलब डेली, मतलब डेली नहीं, मैंने तो डेली में मना कर दिया था, बट मैंने 2 दिन, 2 दिन में मैंने बोला था, बट फिर ना वो फिर आ गई कि नहीं यार पैसे दे के न्यूज़ तो नहीं देना, तो मैंने वो मना कर दिया। और एक और ब्लॉगर है, नाम नहीं लूंगा, थोड़ा हिंट दूंगा तो समझ जाओगे, पूरा समझ जाओगे। अरे तो वो नहीं बोलूंगा कि उनके थ्रू भी भाई, उनके मैनेजर के थ्रू भी मतलब मिला था भाई कि यू नो थोड़ा थोड़ा करके देते रहो, हम एक पर्टिकुलर अमाउंट तुम्हें दे देंगे, बट मैंने वो भी नहीं किया। एक बार ना जब वो कुछ तो इवेंट हुआ था ये दिल्ली में, वो जो मीटअप टाइप कुछ हुआ था, सम्राट भाई, लक्ष्य भाई आपको पता होगा, वहाँ पे ना एक भाई ने बोला था कि यूट्यूबर भाई थे, वो भी काफ़ी बड़े यूट्यूबर है, उन्होंने बोला कि यार तुम लोग कर लो ये सब क्योंकि इससे डबल रेवेन्यू जनरेट होगा। बट फिर वही, वो पैसे दे के मैंने न्यूज़ कभी आज तक नहीं किया भाई, आज तक मैंने पैसे दे नहीं, के, मैं बता रहा मैं हूँ तुझे कह रहा हूँ कि न्यूज़ बॉय अकाउंट में 20 लाख अभी ट्रांसफर कर रहा हूँ। सम्राट की बुराई कर देगी शो में, बहुत गलत खेल रहा है, कर देगा, इतना तो कर भाई, देगा यार। वो तो ऐसे नहीं गलत अच्छे, खेलेगा। नहीं अच्छे ज्यादा पैसे मिल रहे हैं तो मैं तो कर देखो दूंगा ये है इसकी मैं सच्चाई न्यूज़ बॉय की। देखो देखो, तो तू तो बिक गया भाई, भाई 20 लाख ये में बिक 20 में गया बिक तू। गया। लो जॉनर का नाम बता, लो न्यूज़ को भाई, लिख दूँ क्या फिर? अब इससे न्यूज़ को लिख दूँ, जॉनर का नाम लो। बता। एक्सपोजिंग न्यूज़ में ये भी आ जाएगा अभी थोड़ी देर में। नियॉन मैन स्मार्टली नहीं आता है स्पेस में, बेचारा कहीं एक्सपोज ना हो जाए। मैंने जितनी गालियां खाई ना भाई, एक ट्वीट में 1000 कमेंट्स होते थे गालियां भाई, झूठे भाई बोल कुछ, मैं ना 1000 कमेंट्स जिंदगी में नहीं आया था, भाई 1000 गालियां। इंटरनेट पे ना, सच में इंटरनेट पे आ गया मैं, इतना ढीट हो गया, ऐसा तो कोई आदमी बचा ही नहीं देखो जिसने गाली ना खाई हो। मतलब ये तो ऐसा सीन देख लिया हमने, अब तो मतलब अब तो पीक वाला सीन देखा पूरा। ऐसा तो कोई इस इंटरनेट पे बचा नहीं यूट्यूब इंडिया में जिसने गाली ना खाई हो। तो इंटरनेट पे आके मुझे एक चीज तो हो गई कि भाई इतनी मोटी खाल हो गई कि अब जो ऑफलाइन जिंदगी में कुछ रिश्तेदारों की या किसी की बात पता चलती है ना, वो ये बोल रहा था वो कर रहा था, भाई फर्क नहीं पड़ा था। मैं कहता अरे कोई नहीं भाई। हाँ ये बात तो बिल्कुल यस सही वो बोली, ये बहुत मम्मी को यही एग्री। बोलता मैंने कहा फर्स्ट टाइम। ये एग्री है, ये एकदम सच बोले भाई। और कोई कुछ बोल रहा है, यू नो मेरे घर वाले भी किसी के बारे में बोल रहे होते कि इसके बारे में ये बोल रहे थे, ये मुझे फर्क भी नहीं पड़ता क्योंकि मैं एक तो रूम में पड़ा रहता हूँ, ऊपर से इधर ट्विटर पे इतनी देखते गाली खाई रहते चुका है ना भाई। भाई एक बहुत, सिर्फ इस बार तो इंटरनेट बहुत। की हेट का एक ही अरे इसको जैसे ही पता चला कि पैसा मिलता है ट्विटर का, उस दिन से और बोलने लगे कि हाँ भाई गाली दो लेकिन पैसा तो आना भाई चाहिए। इंटरनेट की हेट का ना सिर्फ एक ही सोल्यूशन है। मतलब आज मैं एक बहुत तगड़ी बात बताऊंगा, इसके मैं पैसे भी लेता हूँ वैसे बताने के, पर आज फ्री में बता रहा हूँ। इंटरनेट की हेट का एक ही सोल्यूशन है, वो है इग्नोरेंस। इग्नोर करो कुछ भी पढ़ रहा है, क्योंकि ये सब चीजें ना आपके फोन में है। आप फोन खोलोगे, आप जितना इसको देखने का ट्राई करोगे, हटाने का ट्राई करोगे, वो उतना दिखेगा आपके कमेंट्स। ये देखो कितनी बचकानी बात है, अगर आदमी कोई बहुत ऊपर से इसको देखे कि एक फोन है, उसमें आपका एक अकाउंट है, उसमें उस अकाउंट पे जाके कमेंट सेक्शन में आपको गालियां पड़ रही है, और आप उसकी टेंशन अपनी रियल लाइफ में ले रहे हो, जो कि बिल्कुल भी मतलब आपकी लाइफ में जीरो मैटर करती है। और ऑडियंस ऐसी होती है भाई, देखने वाले लोग ऐसे होते हैं। मैं भी जब मैं खुद को अपने आप का एज ऑडियंस बोल रहा हूँ ना, कि मैं 2 साल पहले किसी को पसंद करता था, 1 साल पहले उसको फिर हेट करने लगा, और 1 साल बाद अब वापस उसको पसंद करने लगा। तो ये तो घूमता रहता भाई, ऐसे कभी नहीं हो सकता कि हम एक बंदे के कट्टर फैन थे, एक बंदे को हम कभी बहुत ही अच्छा मान रहे थे। शाहरुख खान को लेके मैं बता रहा हूँ, मैं पहले बचपन में बहुत बड़ा फैन था, फिर मेरे को ऐसा लगने लगा कि नहीं यार ये तो एवरेज एक्टर ही है, ये है वो है, ये तो नशे करते हैं फलाना ढिमकाना। अब वापस बड़े होके लगा कि यार उसकी पर्सनल लाइफ वो कुछ भी करे, अगर वो कंटेंट अच्छा डिलीवर कर रहा है तो शाहरुख खान अच्छा बंदा है। वो उसको इंडिया के नाम से, इंडिया से बहुत सारे लोग शाहरुख खान के नाम से जानते हैं, बाहर अगर इंडियन सिनेमा को कोई जान रहा है तो वो शाहरुख खान के नाम से जान रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। तो ये वाली चीज़ है कि यार आदमी की ना वो बदलती रहती है मेंटेलिटी आपको लेके। आप आज तू कितना भी अच्छा कर लियो इस इंटरनेट पर, कितना भी अच्छा कर लियो, एक बुरा काम कर दियो, तेरी एक चीज कोई झूठी भी वायरल कर दे ना, तेरा भी कोई स्क्रीनशॉट में झूठा भी वायरल कर दूं, लोग तेरे से क्लैरिफाई भी करने नहीं आएंगे कि भाई। और जबकि ऐसा होता है कि जैसे मान ले अगर तेरी मेरी लड़ाई है ना, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि तेरी बहुत सारी फेक चीजें या पुरानी मैं उठा के लाऊंगा, तब भी लोग ये नहीं कहेंगे कि छोड़ यार उसका पुराना टाइम था, फेक भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लोग तुरंत तेरे को जज करना शुरू कर देंगे। लेकिन अब उसमें तो जितना क्लैरिफाई करने घुसेगा उसको, वो होता है कि वो गु हो गया, अब उसमें जितना डंडा मारेगा ना तो वो उतना फैल जाएगा। इससे सबसे बढ़िया क्या है, मैंने एक ही चीज सीखी है, इग्नोर करो, अपना अपनी लाइफ में मस्त रहो, फोन बंद कर दो बहन चो, ऐश करो, जिसको जो सोचना है ना, तुम किसी की सोच खुद के लिए बदल ही नहीं सकते, वो विद टाइम खुद बदलेगी उनकी। अभी मैं तेरे को चीजें बता रहा हूँ कि मुझे कहीं बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा बिल्कुल एंड के टाइम में कि
मैंने शायद अभिषेक को सपोर्ट नहीं किया, बट सारी बात ये थी तो लोगों ने उसको, कुछ लोगों ने, कभी अभिषेक ये बात कभी नहीं बोलेगा, मलान फैमिली कभी नहीं बोलेगी, बहुत स्वीट बहुत प्यारे बंदे हैं वो, कोई और होता तो इसको दिल पे लेके भी चला जाता, बट वो कभी नहीं बोलेंगे कि यार मैंने सपोर्ट नहीं किया कुछ भी, क्योंकि अभिषेक को पता है मेरी उसकी बॉन्डिंग कैसी है, और शायद अगर मेरे को इन्वाइट भी आता ना इवेंट का, मैं भागा चला जाता, मैं मना भी ना करता, ठीक है जो भी है, लेकिन कुछ लोगों ने क्या बना दिया ना, जो सो कॉल्ड फैंस बने रहते हैं फैन पेजेस की, इन्होंने लक्ष्य ने हेट फैलाई है अभिषेक के अगेंस्ट, भाई किसी को सपोर्ट करना किसी के अगेंस्ट हेट थोड़ी, लेकिन मैं इस चीज को क्लैरिफाई नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा मतलब है एल्विश से और अभिषेक से, मुझे ना एल्विश को कोई चीज क्लैरिफाई करके क्लियर करके बोलनी, ना मुझे कभी अभिषेक को बोलनी, जो साले कमेंट सेक्शन में गाली बक रहे हैं बकते रहो, अभिषेक से तो मुझे पता है कि मुझे कभी क्लियर करना ही नहीं पड़ेगा भाई, हम मैं कल भी उसके घर चला जाऊं सीधा, वो वैसे ही मिलेगा जैसे पहले मिलते थे, वैसे ही हम मौज माने, क्योंकि जिंदगी बहुत बड़ी है भाई, बहुत कुछ करना है, 2 महीने बाद वर्ल्ड कप आ रहा है, बिग बॉस टीवी आ रहा है, सब कुछ बदल जाएगा, दोनों बहुत अच्छा खेल गया, अभी मैं तेरे को स्टोरी डाल लूँ ना कि एल्विश बहुत अच्छा खेला तब भी गाली पड़ेगी, अभिषेक बहुत अच्छा खेला तब भी गाली पड़ेगी, दोनों की डाल दूँ तब भी पड़ेगी, दोनों की ना डालूँ तब भी पड़ेगी, तो इस चीज को तो तुम बदल ही नहीं सकते भाई, लोगों के ओपिनियन, 1000 लोग हैं तो 1000 मुंह हैं उनके, वो कुछ भी बोलेंगे। नहीं एग्जैक्टली मैं ये बात एग्री करता हूँ, जैसे पुनीत पोसा जैसे निकाल दिया गया था, कितना मतलब खत्म हो गया टॉपिक, ये पूरा टॉपिक कितना खराब है, टॉपिक किसने डाला है, ये कितना गंदा टॉपिक है, ये तो मैंने भाई नेक्स्ट भाई क्या करते रहते हो भाई यार न्यून मैन को नूब लिखूंगा पर दलाल नहीं लिखूंगा यार, इतना भी गंदा नहीं है भाई, क्या बढ़िया, अभी ठीक है एक नंबर बढ़िया, एक तो बंदा है भी नहीं उसका नाम लिख रखा है, नहीं नहीं बढ़िया बंदा है यार, मतलब मेरे से भी 1000 गुना, क्योंकि मैं तो दल लाऊ क्या वो 2 लाख। हाँ ये क्या बोल रहे थे कि हाँ जब पुनीत सुपरस्टार चला गया था मतलब निकाल दिया गया था तब पूरा मतलब शो तो खत्म ही हो गया था, मतलब खत्म नहीं उसका जो रेटिंग्स वगैरह थे, अब ला दिए एल्विश यादव भाई को तो फिर से वो हो गया कि उठ गए, तो बात वो ये अभी इतने हम लड़ रहे, नेक्स्ट टाइम पता नहीं थगेश और लक्ष्य भाई आ जाएंगे, सीन अलग हो जाएगा, अगर मैं अभी थगेश को सपोर्ट कर दूंगा मेरे को गालियाँ पड़ेंगी, लक्ष्य भाई को सपोर्ट करूँगा मेरे को गालियाँ पड़ेंगी, बात वही है पता नहीं किसको सपोर्ट करूँ, बट मुझे चाहिए कि एक ही सीजन में लक्ष्य भाई और थगेश भाई, और जो आपने बोला था कि न्यून मैन और न्यूज़ भाई, यस अगर हम दोनों ही चले जाएंगे तो हमारा कॉम्पिटिटर आ जाएगा, मेरा यू नो जो फेस वैल्यू था वो तो मिल जाएगा, बट आगे देखता हूँ यार दुनिया भर के कॉम्पिटिटर, यार मेरा तो यूट्यूब चैनल ही बंद होने वाला होगा, तो सोचूंगा एक बार जाने से पहले, अगर इन केस मैं बनाऊंगा भाई, नो डाउट मैं बना दूंगा एक यूट्यूब चैनल नहीं भाई कंपटीशन नहीं चाहिए, ऑलरेडी है भाई बहुत सारे कंपटीशन अभी और पता है हेट का ऐसे भी है, तू जितना ज्यादा घुसेगा ना किसी चीज में तेरे को उतना फील होगा, अभी तू अपने नाम से रेडिट खोल के देख लियो या 10 वीडियो न्यूज बॉय एक्सपोज देख लियो, तो तेरा ना उतना ही दिमाग खराब होता चला जाएगा, मतलब बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि मैं कहीं बताई नहीं, लेकिन अगर मुझे कोई बोलता है ना भाई तेरे पे किसी ने रोस्ट वीडियो बना दी, तेरी एक्सपोज वीडियो बना दी, तेरे पे कोई हेटफुल वीडियो इंटरनेट पर सर्कुलेट हो रही है, मैं कभी खोल के भी नहीं देखता उस वीडियो, क्योंकि मुझे पता है जब तक मैं नहीं देख रहा तब तक मैं खुश हूँ, मैं उसको देख लूंगा मेरा मन करेगा उस पर रिएक्ट करने का, सब कह रहे हैं वो जो बंदा है वो त्यागी त्यागी करके जिसपे मैंने सेकंड लास्ट वीडियो बनाई थी, वो मेरे को गाली बक रहा है अपनी स्टोरी में, 30-30, 40-40 स्टोरी लगा के उसने, मुझे भी दी मेरे दोस्तों को भी दी सबको दी गंदी गंदी सब कुछ, मुझे पता है मैंने रिएक्ट भी किया बट मैंने उसकी एक भी स्टोरी प्ले करके नहीं देखी, क्योंकि मुझे पता है वो कुछ गंद बकरा होगा, मैं सुन लूंगा तो फिर मुझे जाना पड़ेगा उसके घर ही, तो बढ़िया है ना भाई अपना मेंटल पीस उसी में ही है कि तुम चीजों को दूर से इग्नोर करो। लक्ष्य भाई मैं एक सवाल पूछ सकता हूं? यस ब्रो। बड़े भाई जैसे कि अभी तो ये इंटरनेट की बात हो गई, बट आप जैसे काफी सोशल हो, बाहर भी जाते हो अलग अलग रेस्टोरेंट्स में, वहाँ जब IRL कोई महिला या कोई पुरुष आपको मिलते हैं जो पोटेंशियली शायद आपका फायदा उठाना चाहते हैं, तो आप उस चीज को कैसे हैंडल करते हो, हाउ डू यू फिल्टर आउट पीपल IRL? यार मैं आपको बोलूं, मैं बहुत जल्दी ये चीज कहीं मैं किसी कोई पॉडकास्ट वगैरह करूंगा ना मैं जरूर बोल भी दूंगा, मुझे भाई मेरे ट्रस्ट इशू ना पीक पे जा चुके पूरे, मतलब टॉप पे है लाइफ के, मैं ट्रस्ट नहीं करता किसी पे भी नहीं करता, मतलब मेरे से कोई चैट भी कर रहा है ना यूट्यूबर भी, तो मैं बहुत सोच समझ के लिखता हूँ कि मैं सोचता रहता हूँ शायद ये चीज़ रिकॉर्ड हो रही होगी, शायद ये स्क्रीनशॉट ले रहा होगा या शायद ये कॉल रिकॉर्ड कर रहा होगा, मैं बहुत मतलब बहुत ही लिमिटेड ऐसे लोग हैं जिनसे मैं खुल के कोई बात कर लेता हूँ, खुल के कोई चीज़ शेयर कर लेता हूँ, नहीं तो ज़्यादातर क्योंकि ऐसे इंसिडेंट हो चुके यार, मैं तो पहले
ऐसा बंदा था, हम तो ऐसी जगह से आए हैं कि भाई हर किसी को आप करके बात, किसी ने दो काम बता दिए तो ठीक है, और भाई जीरो से स्टार्ट किया तो बंदा सोचता है कि मैं डाउन टू अर्थ रहूं, कोई मेरे, अब मैंने जैसे ये देखा है कि यार मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, मैं शो करता हूं ना, उसके बाद कितना ही बड़ा शो कितना ही छोटा शो, दो घंटे का होता है, 500 लोगों में भाई गांठ फट जाती है फोटो खिंचाने में एक एक करके, पर मैं खिंचाता हूँ ये सोच के कि शायद इनमें से कोई एक बंदा फोटो ही खिंचाने आया हो, शायद उसने 500 रुपये 700 रुपये फोटो खिंचाने के दिए हूँ, उसके लिए मैजिक हूँ मैं। वो जाकिर खान बोलते ना कि किसी के लिए हम मैजिक हैं, उसका जादू नहीं खराब करना चाहिए, मैं कहा शायद मैं जादू हूँ भाई उसके लिए। तो लेकिन कई बार क्या होता है ना कि वो ये नहीं सोचते बंदे कि इसने दो घंटे परफॉर्म किया, इसने कुछ, जबकि मैं शो वाले दिन कुछ खाता नहीं ज़्यादा, और मैं दो घंटे फिर खड़े होकर फोटो खिंचा रहा हूँ, मेरी गांठ फटी रहती है, बंदे घूम घूम के आते रहते हैं फोटो खिंचाने, ये पोर्ट्रेट में अच्छी नहीं आई, ये वाइड एंगल में अच्छी नहीं आई, ये ऐसे अच्छी नहीं आई, ये वैसे अच्छी नहीं आई, मतलब अगर 500 लोग हैं ना तो उनके साथ 800 फोटो खिंचानी पड़ जाती है, और तुम किसी एक को भी नहीं बोल सकते, तुमने किसी एक को भी बोल दिया ना कि मैं नहीं खिंचा सकता, तो बस ये मान लो कि बस वहीं तुम्हारी छवि खराब होगी उसके दिमाग में, तो थोड़ा सा बचने लगे यार लोग, ट्राई करते हैं बैंक अपने भाई मेरे आउटलेट पर आना कुछ खा लेना, वो खाने थोड़ी बुला रहा है, वो वीडियो बनाने बुला रहा है तुम्हारी, वो तुमसे प्रमोशन लेने बुला रहा है, और तुम वहाँ बैठ के बोल दो एक बार कि इसके तो मैं पैसे लेता हूँ, फिर देखना उस बंदे का, सेम बंदे का जो तुम्हें परोस रहा था सामान फ्री में, उसका कैसा रिएक्शन होगा। नहीं, वो भाई चुप कैसा हो गया, सब सही बोल रहा भाई, बात तो सही है, मेरी आवाज आ रही है। हाँ, और यस, यस, इंटरनेट भाई वैसे ऐसा हो चुका ना कि लोग ना यहाँ पे दूसरे को ऐसे नीचा नहीं दिखाते कि जैसे भाई मेरे को ना अगर फॉर एग्जांपल धीरू ही नीचे है, धीरू से मेरी लड़ाई हो जाए तो मैं कभी धीरू की कोई पर्सनल, भाई मैं ऊपर हूँ, नहीं मेरे वाले में मैं ऊपर आ गया हूँ अभी, तो अगर धीरू से मेरी लड़ाई हो जाए ना तो मैं कभी धीरू पे कोई पर्सनल कमेंट नहीं करने वाला कि भाई धीरू ने कभी अपने मम्मी पापा नहीं दिखाया तो मेरे पास उनकी कोई फोटो है तो मैं वो दिखा दूँ, या मुझे इसके बारे में कोई पर्सनल चीज़ पता है मैं वो इंटरनेट पर आके बोल दूँ। भाई मैं ये मानता हूँ कि जो इसका इंटरनेट पे होगा ऑलरेडी इसके कंसेंट से, मैं सिर्फ उस पर बोलूँगा, उस पर ही मैं इसके अगेंस्ट जाऊँगा, उसके ऊपर या इसने मेरे बारे में बोला होगा या मैं उसको काउंटर करूँगा। लोग ट्राई करते हैं मेरे से धीरू ने बात की होगी तो मैं इसकी पुरानी चैट उठा लूँ, जबकि मेरे पर ट्रस्ट कर रहा था जिस टाइम पे, मतलब लोग ये नहीं सोचेंगे भाई चैट तो तुम्हारे दोस्त उठा लेते हैं, तो मतलब लोग इतने नहीं। अभी मान ले अगर मैं न्यूज बॉय से 2020 में बात कर रहा था और 2026 में न्यूज बॉय ने मेरी चैट उठा के डाल ली तो मैं खराब नहीं हूँ, न्यूज बॉय खराब है क्योंकि उसने उसने धोखा किया भाई मेरे साथ। वो तब क्यों मेरे से बात कर रहा था उस टाइम पे, मैं जितना भी खराब व्यक्ति था तब तो वो मेरे से तीसरे बंदे के बारे में बात कर रहा था, अब वो मेरी चैट उठा के, तो लोग बाग बड़ा मजा लेते हैं, किसी की कॉल रिकॉर्डिंग आ गई, किसी की वॉइस नोट लीक हो गया तो लोगों को बड़ा मजा आता है, भाई इसका वॉइस नोट आ गया देखो बैंचोद क्या बोल रहा था, अरे क्या क्या बोल रहा था, तुम भी तो मजे ले रहे थे उस टाइम। वही जब एक बार गौरव जोन एक्सपोज हुआ था बहुत भयंकर वाला, जो मतलब आई थिंक जो सबसे खतरनाक वाला था, पारस ठकराल के, गौरव जोन को अभी भी मैं गलत नहीं बोलता हूं, पारस ठकराल का जो केस था उसमें वो लड़की को बिठा रहे थे वो बुला बुला के कि पारस इसको डेट कर रहा था, ये सब कर रहा था, और लोग बड़ा उस लड़की की साइड ले रहे थे। मैं कह रहा हूँ पारस गलत है बट वो लड़की भी तो गलत है, वो वो भी तो सामने से कर रही थी भाई वो, और अब लोग कैसे तफरी ले रहे हैं जब, तो वो लड़की भी तो इक्वली गलत है, बल्कि ज्यादा गलत है वो भाई, जब उसे पता शादीशुदा इंसान है इससे क्यों बात करूं भाई मैं इस तरह से, जितना मतलब उस तरह से बात कर दो, कोई फायदा था उस टाइम, वो भी मजे ले रही थी, अब वो फायदा खत्म हो गया तो बैंच एक्सपोज कर दो, सही बात है भाई। लेकिन भाई यूट्यूबर क्या था भाई, ऑनेस्टली बता रहा हूं भाई, यूट्यूबर में नाम नहीं लूंगा कभी भी, एंड खाना ऑर्डर करने के चक्कर में ना, नाम के चक्कर में उसने मेरा इंडिया फोन चेक कर लिया था कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ भाई, मैं ऐसा बोलता हुआ ही नहीं यार, मैं चला मिलने जाता हूँ, मैं रिकॉर्ड करने का सोचता हूँ, मेरे फोन में आज तक कोई कॉल रिकॉर्डिंग ऐप नहीं है, मेरे पास किसी का कोई स्क्रीनशॉट नहीं है, मैं कुछ नहीं, लेकिन हाँ अब मैं इतना जरूर करने लगा, मेरे साथ कोई एड़े चाली करता है मुझे नहीं पसंद भाई, सीधा ब्लॉक मारता हूँ, सीधा ब्लॉक, पिछले एक साल में मैंने ब्लॉक लिस्ट इतनी लंबी कर दी, मेरे को कोई उल्टा सीधा कॉमेंट अगर दिख गया ऐसे मैं खोजने नहीं जाता, कितने अभी भी पड़े होंगे खूब गलत, मेरे को कोई दिख गया है मेरे बारे में कोई कुछ कर रहा है और मुझे पता चल गया सीधा ब्लॉक मारता हूँ भाई, नेगेटिविटी सीधी खत्म है बैंचोद, अब वो बड़ा दिल करना छोड़ दिया कि नहीं भाई ब्लॉक नहीं करेंगे ये नहीं करेंगे, भाई सीधा बैंचोद देगी मत तू मुझे जब तुझे इतनी दिक्कत है भाई,
भाई सम्राट भाई को तो ब्लॉक नहीं कर रखा तुमने, सम्राट को तो एक्सपोज करूंगा भाई। नहीं यार सम्राट भाई यहाँ पे नहीं है, बट ये ना हर बात पे पोक कर देगा, इनको बुला लो यार यार। बढ़िया यार मैं मिला रहा एक एक मतलब अलग ही है उनका। लक्ष्य की अप्रोच बहुत जबरदस्त है और मुझे लगता है हम सबको वो अप्रोच अपनानी चाहिए, आजमानी चाहिए कि आप मतलब हेटेड पे ध्यान ही मत दो। और मैंने ये चीज सीखी, ये मैंने चीज सीखी विराट कोहली से। विराट कोहली को तो आपको पता है क्रिकेटर मतलब बहुत बड़ा नाम है, और 4 सेंचुरी मार देगा लोग पूजा करने लगेंगे, 4 बार 0 पे आउट हो जाएगा तो बर्बाद हो जाएगा। तो भाई हेटरेट से बचने को, भाई हेटरेट से बचने को मैक्सन बताएगा। नहीं ये वजाद भाई सही बात कर रहे, लेटेस्ट एग्जांपल शुभमन गिल का है ना, या तो उसको किंग बना प्रिंस बना दिया था या सीधा कहने लगे तो बस अहमदाबाद प्लेयर है, अहमदाबाद प्लेयर है। तो भाई लोगों को तो भाई कैसे भी बर्दाश्त नहीं है, बंदा आप अपने काम में लगे रहो, जैसे आपका मन करता हो वो करो। और ये इंटरनेट तो ऐसा है बहनचोद, आज हेट चलेगी कल प्यार करेंगे, कल जो प्यार कर रहे थे वो परसों हेट करेंगे। ये जो जितने भी एक्सपोज वीडियो बनती हैं सब यारी दोस्ती की बनती हैं, तो कल वो यार थे आज बहनचोद एक्सपोज मार दिया कल। और ये बताओ कौन एक्सपोज हो गया कैंसिल हो गया, सब साल दोबारा काम कर रहे हैं ऐसे ही। ट्विटर पे जो भी कंटेंट बना रहा है उनके लिए बेस्ट अंडररेटेड फीचर है म्यूट दिस कॉन्वर्सेशन, फुल उपयोग करना चाहिए उस कॉन्सेप्ट का। तो अगर दिख गया कि 3-4 कुछ लोग फालतू फालतू कमेंट कर रहे हैं भाई म्यूट भाई, मैं तो सीधा ब्लॉक मारता हूं सीधा, जो दिख गया वो सीधा ब्लॉक। भाई नितिन भाई यहां पे ना आज का ट्विटर पे ऐसा हो गया कि जैसे मैं होस्ट हूं फॉर एग्जांपल, मैंने को होस्ट दोनों को रखा हुआ है, अब यार स्पेस पे क्या बात चल रहा है यार, गालियां पड़ेंगी होस्ट को नो डाउट, बट सही है अगर अनटिल अनलेस यू नो कि बहुत ही घटिया बातें हो रही है, बहुत ही नीच बातें हो रही है, गालियां वगैरह हो रहा है, वो तो डेफिनेटली बनता है होस्ट को होस्ट जितने भी है वो कि वो म्यूट करे या फिर निकाल दे। बट कुछ बातें कर रहे हैं जो यू नो डिबेट कर रहे हैं एंड देन फिर गालियां पड़ती है होस्ट जो कि म्यूट पे बैठा हुआ है, ये चल रहा है भाई 1000 गाली। मैंने बता एक ट्वीट पे तो 1000 गालियां, भाई मेरी जिंदगी में नहीं खाया उतनी गालियां यार। अरे लेकिन आप उस गालियों को गाली की तरह लो ही मत ना। देखो मैंने ना आज एक ट्वीट किया था, नहीं 5 लाख रीच भी मिला इंप्रेशन जो व्यू को क्या बोलते हैं वो भी मिला भाई, इंप्रेशन लो मजे लो। मैंने आज एक डाला थाउजेंड्स ऑफ सपोर्टर्स सिंगिंग अभिषेक मलान सॉन्ग टुगेदर, दिल जीतना इज ग्रेटर देन ट्रॉफी जीतना। भाई मेरे को मतलब अभी उस पे ना मेरी ट्वीट पे करीब 192 कमेंट्स हो रखे हैं और उस पर नाना करके मेरे ख्याल से 125 गालियां हैं, ठीक है। मैंने जैसे अभी लक्ष्य ने बोला कि मैं ब्लॉक कर देता हूँ, भाई मैं ब्लॉक नहीं करता, मैं इंतज़ार करता हूँ कि वो शख्स जो बदतमीजी कर रहा है उसको कब ये चीज़ का रियलाइज़ हो कि उसने गलत किया है, क्योंकि एनीवेज वो बंदा जो है ना हमारी ज़िंदगी में कोई मायने तो रखता नहीं है। हम ज़रूर उसकी ज़िंदगी में थोड़ा बहुत मायने रखते हैं जो हमारे पास आ रहा है, हमारे हमारे ट्वीट पे आके कमेंट कर रहा है, लेकिन वो गालियां मैंने देखी करीब 125 गालियां, 192 कमेंट के अंदर 125 गालियां हैं। मैंने उसमें कुछ कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, कोई किसी तरह की कोई वो चीज़ नहीं की। तो न्यूज़ बॉय भैया आपका जो काम है आप पब्लिक डोमेन में हो, मुझे 2009 में हमारे एक जब मैं एक रियलिटी शो में गया था 2008 में, तो हमारे एक कज़न थे जो कि अभी दुबई में एक लीडिंग बैंक के हेड हैं, CEO हैं, उन्होंने मुझे 2009